नमस्कार, पलपल भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, पलपल में एक बार फिर से स्वागत है। माता वैष्णो देवी मंदिर के अलावा शहर भर में अलग अलग जगह पर गोवर्धन पूजा व अन्नकूट पर्व मनाया गया। सिरसा के कोर्ट कॉलोनी स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में अन्नकूट व गोवर्धन पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर में भंडारा भी लगाया गया। हजारों की संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद लेने के लिए भी पहुंचे। मंदिर के पुजारी संजीव शास्त्री ने बताया कि पिछले 25 सालों से मंदिर में गोवर्धन पूजा व अन्नकूट का पर्व मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा के महत्व के बारे में संजीव शास्त्री ने पूरी जानकारी दी। इसके साथ साथ पूरे शहर भर के मंदिरों में इस प्रकार से कई मंदिरों में अन्नकूट प्रसाद भी वितरित किया गया। आइए दिखाते हैं आपको शहर भर के मंदिरों की झलकियाँ। पलपल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। मैं पुजारी संजीव शर्मा माता वैष्णो देवी मंदिर से आज माता वैष्णो देवी मंदिर में भगवान श्री गोवर्धन जी का भंडारा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। माता वैष्णो देवी मंदिर कोट कॉलोनी में बड़ी धूमधाम से ये भंडारा गत 25 वर्षों से मनाया जा रहा है और ये भंडारा बड़े हर्षोल्लास से इसमें भगवान को बड़े अच्छे ढंग से भोग लगाया जाता है। विधिवत पहले थोड़ा सा शास्त्री जी, इसका क्या उद्देश्य है, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? गोवर्धन भगवान की पूजा, जब त्रेता के युग में प्रभु श्री राम समुद्र पर पत्थर का पुल बना रहे थे तो हनुमान जी एक पत्थर का टुकड़ा ला करके लेकर के आ रहे थे, तो राम जी ने नल नील ने राम जी से कहा कि पुल बन चुका है, वह और कोई पत्थर ना लाए, सबको मना कर दो। राम जी ने सबको मना कर दिया तो हनुमान जी एक हिमालय पर्वत से पत्थर का टुकड़ा लेकर आ रहे थे तो उन्होंने वहीं रख दिया। तो जब चलने लगे तो पत्थर ने आवाज लेकर के कहा कि हनुमान जी ये आप क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा भी अब पुल बन चुका, पत्थर की जरूरत नहीं, तो वो पत्थर मायूस हो गया। उसने कहा भी हनुमान जी हम आपके हाथों पर 7 मिनटों तक रहे, या तो हमें राम जी के पास में ले जाओ नहीं तो हिमालय पर्वत पर वापिस छोड़ दो। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं पहले राम जी से पूछ करके आता हूँ उनके क्या आदेश हैं। तो राम जी के पास में गए और हनुमान जी ने पत्थर की विनय पत्थर का दर्द सारा बताया। तो श्री राम जी ने कहा कि ये हनुमान जाकर के पर्वत से कह दो कि जब मैं द्वापर युग में कृष्ण बनकर के आऊँगा, तुमने तो 7 मिनट तक उसको उठाया है, मैं 7 दिन तक उसको अपनी उंगली पर उठा करके इसको गोवर्धन नाम दे करके संसार में पूजित करूँगा, अब उसी पर्वत को वहीं पड़ा रहने दो। तो अब ये पर्वत वर्तमान समय में वृंदावन के पास में गोवर्धन में है, जो गोवर्धन में जाकर के भगवान की पूजा करता है, आज के दिन अपने मंदिर में भी भगवान को भोग लगाता है तो भगवान श्री गोवर्धन उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं। ये कथा त्रेता युग से चली आ रही है। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। हाँ जी, मैं नीना कालदा, रिटायर्ड लेक्चरर CMK कॉलेज से यहाँ पे सेवा में रहती हूँ। मुझे वैसे तो मंदिर के साथ जुड़े हुए तो पूरे 25 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन जो पूरी तरह से मैं यहाँ पे सेवा कर रही हूँ वो मुझे 4 साल हो गए हैं। 4 साल से मैंने पूरा यहाँ का इंचार्ज शिप जो है वो संभाली हुई है। और जो अन्नकूट का प्रसाद आप कितने समय से बना रहे हैं,
ये अन्नकूट का प्रसाद तो मैं हमेशा ही आती रही हूँ, 25 साल से ही आती हूँ, क्योंकि प्रसाद में लंगर में मैं ड्यूटी देती रही हूँ और सर्विस के साथ ही, लेकिन जो पूरी तरह से सेवा है वो मैं अब 4 साल से कर रही हूँ। तो लंगर का जो है वो हमेशा लंगर तो मेरे हाथ से ही बंटता रहा है यहाँ पे। ये जो लंगर जो हम गोवर्धन का करते हैं ये हमेशा मैं ही बांटती हूँ, और पूरी कॉलोनी वाले नहीं, हुड्डा कॉलोनी से, राम कॉलोनी से, डीसी कॉलोनी से, कईयों की तो शक्ल ही नहीं देखी होती जो आज के दिन हमारे से प्रसाद लेके जाते हैं। तो पूरी तरह से ये प्रसाद जो है वो वितरित किया जाता है, मतलब ये प्रसाद आने वाले को दिया जाता है। हाँ जी हाँ, ये यहाँ पे खिलाया नहीं जाता, खिलाने का यहाँ नहीं है, जो भी लेके जाता है प्रसाद वो अपने घर के लिए लेके जाता है और सबको प्रसाद पूरी श्रद्धा से खुले दिल से दिया जाता है।